हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 2020 नवंबर के नेट के क्वेश्चंस का अगला पार्ट डिस्कस करेंगे। हमने चार पार्ट डिस्कस कर लिया है, आज पांचवा पार्ट हम लेकर आए हैं और उसमें 10 क्वेश्चंस हैं जिनको हम एक एक करके देखेंगे। लेट अस स्टार्ट। पहला क्वेश्चन इसमें है, While preparing a budget, which of the following points are considered to be mandatory? बजट तैयार करते समय निम्नलिखित में से किन बिंदुओं को अनिवार्य माना जाता है? पहला रेवेन्यू, राजस्व, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, संस्था के उद्देश्य, एक्सपेंडिचर, व्यय, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, सामुदायिक भागीदारी, शिक्षक का वेतन। तो ये पांच पॉइंट्स में से बजट जब हम तैयार करते हैं तो किस चीज़ को अनिवार्य माना जाता है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है। तो बजट क्या होता है? बजट क्या है? एक वित्तीय योजना है, एक निश्चित समय के लिए, एक परिभाषित अवधि के लिए, एक वर्ष के लिए, जिसको हम फिनेंशियल ईयर कहते हैं, उसके लिए वित्तीय योजना है। इसमें क्या होता है? बिक्री की मात्रा, राजस्व, संसाधन, लागत, व्यय, देनदारी, संपत्ति, सब कुछ इसमें शामिल किया जाता है। तो सभी बजट में क्या होता है? सबसे पहला तो आय है, फिर व्यय, निश्चित व्यय जिस पर कि आपका नियंत्रण कम होता है, फिर है आय हो गया रेवेन्यू, बजट हो गया खर्च, हो गया एक्सपेंडिचर, और कुछ खर्च ऐसे होते हैं जो अनियोजित होते हैं, कुछ खर्च ऐसे होते हैं जो कि जिसमें कि इसके लिए लचीला बजट रखा जाता है कि कुछ ऐसे जो खर्च अचानक से आ जाए उन पे खर्च किया जाए। तो इनकम, फिक्स्ड एक्सपेंडिचर, फ्लेक्सिबल एक्सपेंसेस और अनप्लान्ड, कुछ अनप्लान्ड होते हैं। तो इसलिए बजट में कौन कौन सा पॉइंट को कंसीडर किया जाता है, मैंडेटरी क्या क्या है? तो रेवेन्यू, सबसे पहले रेवेन्यू, फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंस्टीट्यूशन, संस्था का उद्देश्य, और तीसरा है एक्सपेंडिचर। तो बजट में तीन चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, एक ये संस्था का उद्देश्य और व्यय। तो ये तीनों बजट के आवश्यक तत्व हैं, रेवेन्यू, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंस्टीट्यूशन और एक्सपेंडिचर। तो इसका आंसर होगा हमारा बी, ऑप्शन बी इज द आंसर, जिसमें तीनों चीज इंक्लूडेड है, जिसमें रेवेन्यू, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्टीट्यूशन और एक्सपेंडिचर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन इन बुद्धिस्ट फिलॉसफी। बुद्धिस्ट कौन सी विशेषता बौद्ध दर्शन में आश्रित उत्पत्ति की धारणा की व्याख्या करती है? तो बुद्धिस्ट दर्शन जो है ना, वो क्या है? बुद्ध के मृत्यु के बाद भारत में फैला है। तो यह क्या है, इसमें दो चीजें, बुद्ध के शिक्षा को मतलब मानने के लिए इसमें दुनिया सब कुछ सशर्त और सापेक्ष है, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज कंडीशनल एंड रिलेटिव। क्या क्या है बुद्धिस्ट फिलॉसफी में, इसमें से हमें चुनना है। फ्रॉम द अल्टीमेट स्टैंड पॉइंट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन संसार एंड निर्वाण। इस दुनिया अंतिम दृष्टिकोण से संसार और निर्वाण में कोई अंतर नहीं है। संसार इंग्लिश का कर लिया है, तो यहाँ पर संसार है, संसार and all appearance have real origination, सभी दिखावे में वास्तविक उत्पत्ति होती है, जो भी appearances है सबका उत्पत्ति वास्तविक उत्पत्ति होती है। और फिर क्या है, appearances are not devoid of ultimate reality, मतलब जो appearance दिखावा नहीं, जो मतलब प्रत्यक्षीकरण है, appearance जो उद्भव जिसको हम कहते हैं, वो उसे हम कहते उसे अपीयरेंस कहा जाता है। तो इसमें हमें ये बताना है, ऑल अपीयरेंस धर्म्स बिगिन
बीइंग रिलेटिव हैव नो रियल ओरिजिनेशन, सापेक्ष होने के कारण सभी धर्म की कोई वास्तविक उत्पत्ति नहीं होती है। तो इन सब चीज को पहले समझना होगा कि बुद्धिस्ट फिलॉसफी है क्या। बुद्धिस्ट फिलॉसफी जो है परिनिर्वाण जो बुद्ध का हो गया तब फैला, यह फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन है। और इसमें क्या है, दार्शनिक रीजनिंग है, तर्क है, और मेडिटेशन दो कोर ऑफ फिलॉसफी का जो है ये दोनों चीज है। इसमें रीजनिंग भी है और मेडिटेशन भी है। तो बुद्ध का जो शिक्षा थी, बुद्धिस्ट धर्म के जो शिक्षा थी या बुद्ध के जो टीचिंग्स थे वो क्या थे, तो उसमें उन्होंने बुद्धिस्ट टर्मिनोलॉजी में प्रज्ञा शब्द का यूज किया गया जिसका मतलब होता है विस्डम, बुद्धि या अंडरस्टैंडिंग। तो बुद्धिज्म का जो कोर है या जो फोर नॉबल ट्रूथ है, जो बुद्धिस्ट दर्शन का मूल तत्व है, वो है कि ट्रूथ ऑफ मिजरी, दुख का कारण, ट्रूथ ऑफ काज, समुदाय का कारण, ट्रूथ ऑफ सेसेशन, निरोध का कारण, और मार्ग। तो उन्होंने 8 पंथ बताए थे। राइट व्यू मतलब सम्यक दृष्टि, उनका कहना था कि जो भी चीज है फॉल्टी है, जो भी चीज दोषपूर्ण है उसका रिजेक्शन। फिर था राइट रिजॉल्व और राइट एस्पिरेशन, सम्यक संकल्प मतलब है कि माइंड का जो भी डिसीजन होगा वो प्रैक्टिकली फॉलो होना चाहिए। फिर राइट स्पीक मतलब सम्यक वाक का मतलब होता है कि सही बातें, सम्यक वाक का मतलब होता है सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक का मतलब हुआ कि सम्यक स्पीच, जो भी राइट स्पीच है। तो ये क्या है कि सच बोलने के लिए लोगों को इंस्पायर करता है। फिर है सम्यक कर्म, सम्यक कर्म क्या बोलता है कि साधक को बोलता है कि रॉन्ग एक्शन नहीं करना है, गलत कार्य नहीं करना है। उसके बाद है राइट लिवलीहुड मतलब किसी को भी अपना लिविंग जो है, जो कमाई करना है वो राइट तरीके से करना है, ऑनेस्टी से करना है, ऑनेस्ट मीन्स से करना है। राइट एफर्ट मतलब सम्यक व्यायाम मतलब है कि जो भी कार्य करना है वो राइटियसनेस होना चाहिए, उसमें सब चीज सही होना चाहिए, सही का बोध होना चाहिए। तो ये जो है ना राइट एफर्ट मतलब में है कि ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि जिससे कि जो भी दोष है या जो भी फॉल्स आइडियाज दिमाग में आ रहे हैं, जो एविल आइडियाज आ रहे हैं, वो सारे खत्म हो, उनका नाश हो। उसके बाद है राइट अवेयरनेस सम्यक स्मृति, इसमें है कि अवेयरनेस ऑफ द बॉडी कि आप सही ढंग से सांस लें, मूवमेंट आपके सही हों, बॉडी के इम्प्यूरिटीज सब दूर हों। उसके अलावा है राइट कंसंट्रेशन मतलब सम्यक समाधि या अंतिम है कि वो स्पीकर को ऑल सेंसेशन ऑफ पेन और प्लेजर से ऊपर उठने की बात करता है। तो ये कैसे होता है, ये 4 लेवल पर होता है, मेडिटेशन से होता है, या फिर मेडिटेशन करने से क्या होता है, जो ध्यान करता है उसको बहुत इंटरनल पीस मिलता है और वो डी अटैच्ड हो जाता है, दुनिया सभी चीज़ों से निर्विकार हो जाता है और वो मतलब ब्लिस और ट्रैंक्विलिटी में पहुंच जाता है। और उसके तो ये जो 8 पथ बताए गए जिसमें से 2 जो हैं राइट फेथ और राइट रिजॉल्व, ये कहलाते हैं प्राण, बिकॉज ये कॉन्सियसनेस से जुड़े होते हैं। 3rd, 4th और 5th जो हैं जिसे राइट स्पीच, राइट कंडक्ट और राइट लिवलीहुड कहते हैं, ये पंचशील वे मतलब करेक्ट और मोरली राइट वे ऑफ लिविंग सिखाते हैं। और लास्ट के जो 3 है राइट एफर्ट, राइट अवेयरनेस और राइट कंसंट्रेशन, ये समाधि कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना ये सम्यक ज्ञान जो है राइट फेथ और राइट रिजॉल्व, राइट नॉलेज की ओर आदमी को ले जाते हैं। इसलिए ये जो फीचर्स हैं डिपेंडेंट ओरिजिनेशन ऑफ बुद्धिस्ट फिलॉसफी को कौन एक्सप्लेन करता है, पहला कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज कंडीशनल एंड रिलेटिव, तो इस दुनिया में सब कुछ सशर्त और सापेक्ष है। दूसरा क्या बताता है कि अल्टीमेट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फ्रॉम द अल्टीमेट, संसार और निर्वाण में कोई अंतर नहीं है। तीसरा है कि ऑल अपीयरेंस
हैव बीइंग रिलेटिव हैव नो रियल ओरिजिनेशन, मतलब सारे जो अपीयरेंस हैं वो वास्तविकता से रहित नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? ये बौद्ध दर्शन जब आप पढ़ेंगे तो इसको समझ पाएंगे। इसका आंसर है ए बी और ई। ऑल सॉरी, पहला है एवरीथिंग जो है इस दुनिया में सशर्त और सापेक्ष है। दूसरा है कि फ्रॉम द अल्टीमेट पॉइंट ऑफ अंतिम दृष्टिकोण से संसार और निर्वाण में कोई अंतर नहीं है। और अगला है पॉइंट फाइव, ऑल अपीयरेंस जितने भी धर्म है बीइंग रिलेटिव हैव नो रियल ओरिजिनेशन, सापेक्ष होने के कारण सभी धर्म की कोई वास्तविक उत्पत्ति नहीं है। सापेक्ष मतलब क्या होता है? एक दूसरे पर निर्भर होता है, निरपेक्ष होगा तो एब्सोल्यूट होगा, लेकिन चूंकि सब इसलिए किसी का रियल ओरिजिनेशन नहीं होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन थ्री, वन टू एंड फाइव। सो आंसर इज सी, आई हैव रिटन हियर आंसर सी। ये थोड़ा गूढ़ है, इसको समझने के लिए बहुत स्टडी की जरूरत होगी। बुद्ध दर्शन के सारे आठों एटफोल्ड पाथ जो हैं उसको आप पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमन कैपिटल थ्योरी गिव्स एम्फेसिस ऑन, ह्यूमन मानव पूंजी का जो सिद्धांत है वो किस चीज पर जोर देता है? कर्मचारियों की सुरक्षा, सिक्योरिटी ऑफ स्टाफ, स्टाफ मोटिवेशन, स्टाफ प्रेरणा, इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन, शिक्षा पर निवेश, इन सर्विस एजुकेशन ऑफ द स्टाफ, कर्मचारियों की सेवा ही नहीं, सेवा सेवा में शिक्षा, सेवा ही इज नॉट करेक्ट ट्रांसलेशन, सॉरी गूगल ट्रांसलेशन इज नॉट वेरी ऑलवेज वेरी करेक्ट। जब इन सर्विस मतलब होता है कि सेवा काल में जब उनकी शिक्षा होती है, और स्टाफ रिक्रूटमेंट, यहाँ पर रिक्रूटमेंट शब्द है जो कि कर्मचारी चयन, ठीक है। तो इसमें से मानव पूंजी सिद्धांत किस किस चीज पर बल देता है? मानव पूंजी सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था? ये भी एक क्वेश्चन बनेगा, इसलिए इसको लिखना जरूरी है। ये बेकर और मिंसर के द्वारा डेवलप किया गया था। और ये ह्यूमन कैपिटल थ्योरी जो है मानव पूंजी सिद्धांत है, ये अर्निंग का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ अर्निंग, अर्जन करने का सिद्धांत है, और जो कि थ्योरी ऑफ अर्निंग ये गरीबी का उनको निर्धारित करता है। इसलिए ये ह्यूमन कैपिटल थ्योरी बताता है कि अर्निंग क्या जब शुरू होता है तो वो बहुत कम होती है अर्निंग, और पीपल बहुत यंग होते हैं, और यंगर पीपल क्या करते हैं कि वो स्टाफ इन्वेस्टमेंट एजुकेशन में करते हैं और ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं। तो जब अर्निंग लो होती है और ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट होता है, मतलब ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट किस तरह से होगा? मानव में जब इन्वेस्टमेंट होता है तो उसकी शिक्षा में, उसकी ट्रेनिंग में, तो इंडिविजुअल जो भी व्यक्ति है उसका इन्वेस्टमेंट जो एजुकेशन में होता है और ट्रेनिंग जो होता है वो इस तरह से खर्च करते हैं जिससे कि वो एक जो रिटर्न वो एक्सपेक्ट करते हैं उसी हिसाब से वो एजुकेशन और ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करते हैं। तो जो शिक्षा में और ट्रेनिंग में एजुकेशन में खर्च किया जाता है वो इन्वेस्टमेंट पीरियड में जो खर्च किया जाता है वो कैसे होता है? उसको कंपेंसेट करने के लिए फिर अर्निंग, लाइफ टाइम की जो अर्निंग होती है उससे उसको चूज किया जाता है। तो चूंकि माइनॉरिटीज और वीमेन की अर्निंग कम होती है, मानव पूंजी का सिद्धांत यही कहता है कि कमाई का गरीबी के प्रमुख निर्धारकों में एक सिद्ध है कि मानव पूंजी लोग युवा होते हैं तो कमाई कम होने लगती है। कम होती है क्यों? क्योंकि जब युवा लोग मानव पूंजी में निवेश करते हैं तो उन्हें निवेश करना होगा। मान लो कि मानव पूंजी में निवेश करने का क्या मतलब है? वो और अधिक शिक्षा प्राप्त करेंगे और ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे। तो जब वो शिक्षा के लिए और ट्रेनिंग के लिए जाएंगे तो उनकी कमाई उस समय बंद हो जाएगी क्योंकि वो ट्रेनिंग के लिए नौकरी छोड़ के जाएंगे,
और उस ट्रेनिंग के दौरान फिर उन्हें अपनी अर्निंग को छोड़ना पड़ेगा। तो यह सिद्धांत जो है मानव पूंजी का, ये क्या कहता है, क्या बतलाता है कि शिक्षा और प्रशिक्षण में जो निवेश किया जाता है, जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उसमें जो व्यक्ति के निर्णय होते हैं और उसकी जो कमाई होती है, दोनों पर असर होता है। क्योंकि वो ट्रेनिंग करता है कि और अधिक कमाएंगे, लेकिन और अधिक कमाने के लिए जब वो ट्रेनिंग करने जाता है तो उस समय की उसकी कमाई बंद हो जाती है, क्योंकि वो नौकरी से छुट्टी लेकर या नौकरी को छोड़कर जाते आगे की पढ़ाई करने जाता है। तो ये शिक्षा और प्रशिक्षण जो है ना, वो व्यक्ति का, जो व्यक्ति के निवेश का क्या करता है कि निवेश कर रहा है व्यक्ति ट्रेनिंग में, MBA करने गया, ज़्यादा पैसा दे के 15 लाख 16 लाख 17 लाख कर दे के पैसे, और वो MBA करने जाते हैं, तो उस समय उनका वो कॉस्ट हो जाता है, कॉस्ट ऑफ वो शिक्षा और प्रशिक्षण का। और उसके बाद उनको उससे जो रिटर्न अपेक्षित होता है उसके तुलना में मानव पूंजी का निवेश को समझाया गया है। तो शिक्षा और प्रशिक्षण में जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो इस अवधि के दौरान जो प्रत्यक्ष खर्च होता है और जो पहले आय होती है, जिस आय को छोड़कर वो अभी वो खर्च करके और ट्रेनिंग ले रहा है, तो वो क्या करता है कि वो इस चीज को सोचता है, तो कौन निवेश करेगा, जिसको लगेगा कि अगर हम MBA करके आएंगे तो हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा और अभी जो हम कमा रहे हैं उससे ज़्यादा कमाएंगे, और जो पैसा हम अभी लगा रहे हैं 15 लाख 16 लाख जो भी लगाकर हम MBA कर रहे हैं उसका मुआवजा हमको मिल जाएगा, मतलब उससे हमारी ज़्यादा अर्निंग हो जाएगी, तभी ना कोई निवेश करेगा। तो इसलिए जो लोग श्रम बाजार में कम काम करते हैं, और तो उसमें क्या होता है कि जैसे महिलाएं हुई या अल्पसंख्यक हुई, ये लोग इतना पैसा खर्च करके, इतना निवेश करके ट्रेनिंग करने नहीं जाते हैं, तो इसलिए इनकी कमाई कम हो जाती है। तो उनके कमाई कम होने से उनकी गरीब रहने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो मानव पूंजी का सिद्धांत किस चीज़ पर जोर देता है, तो कि स्टाफ प्रेरणा पर, स्टाफ मोटिवेशन पर देता है। और किस पर देता है, शिक्षा पर, निवेश पर देता है, शिक्षा पर, निवेश और कर्मचारियों के सेवा काल में ट्रेनिंग पर महत्वपूर्ण, इन सर्विस एजुकेशन ऑफ टीचर पर जोर देता है। तो हमारा कौन कौन सा पॉइंट हुआ, इसमें आंसर होगा 2, 3 एंड 4। कौन कौन सा पॉइंट आ गया, 2, 3 एंड 4। सो इट इज आंसर इज सी, यर आंसर इज सी। क्यों, क्योंकि जो भी इन्वेस्ट, मानव पूंजी का सिद्धांत में जो भी इन्वेस्ट किया जाता है, वो इस उम्मीद से इन्वेस्ट किया जाता है कि अगर अभी हम इन्वेस्ट करके कोई ट्रेनिंग या कोई अच्छी डिग्री ले रहे हैं तो उससे हमको उसका मुआवजा मिलेगा, जब हम वापस आएंगे तो हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा। ये जो प्रेरणा होती है वो उस महिलाओं में और अल्पसंख्यकों में कम होती है, तो उससे उनकी जो है गरीबी बनी रहती है। तो इसलिए मानव पूंजी का सिद्धांत, स्टाफ प्रेरणा और क्या क्या चीज़ हमने देखा था, स्टाफ मोटिवेशन, सिक्योरिटी ऑफ स्टाफ और इन्वेस्टमेंट ऑन इन सर्विस एजुकेशन ऑफ द स्टाफ पे जोर देता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आइडेंटिफाई द सीक्वेंस इन जनरेटिंग ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी एक आधारभूत सिद्धांत उत्पन्न करने के अनुक्रम की पहचान करें, सीक्वेंस को बताना है आपको, ठीक है। तो कोडिंग मेमोइंग, मतलब कोडिंग मेमोइंग, डिसाइडिंग अबाउट द नीडेड सैम्पलिंग डिजाइन एंड डेटा कलेक्शन, आवश्यक नमूना डिजाइन एंड डेटा संग्रह के बारे में निर्णय, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोर वेरिएबल लीडिंग टू इट्स सैचुरेशन, इसके संतृप्ति के लिए अग्रणी मुख्य चर की पहचान, कैटेगराइजेशन एंड कंपैरिजन, वर्गीकरण एंड तुलना, द थ्योरी वेरिफिकेशन एंड जनरलाइजेशन इमर्जिंग। तो ग्राउंडेड थ्योरी क्या है, ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, ग्राउंडेड थ्योरी ग्लेशर एंड स्ट्रॉस,
स्ट्रॉस के द्वारा ये थ्योरी 1967 में दिया गया था। ये क्वालिटेटिव रिसर्च है। ग्राउंडेड थ्योरी एक सिस्टेमेटिक मेथडोलॉजी है जो क्या बतलाता है कि क्वालिटेटिव रिसर्च में ये अप्लाइड होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च में, गुणात्मक रिसर्च में ग्राउंडेड थ्योरी का या जमीनी सिद्धांत का प्रयोग होता है। इसे जमीनी सिद्धांत भी कहते हैं। ये मेथडोलॉजी, इसमें क्या होता है, हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्ट किया जाता है और थ्योरी को डेटा के एनालिसिस के द्वारा कलेक्ट किया जाता है और डेटा कलेक्ट किया जाता है, उसका एनालिसिस किया जाता है। इसमें कलेक्शन और एनालिसिस ऑफ डेटा इंक्लूडेड है। और थ्योरी ग्राउंडेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक्चुअल डेटा पर बेस्ड होता है, वास्तविक आंकड़ों पर आधारित होता है, इसीलिए इसे जमीनी सिद्धांत या ग्राउंडेड थ्योरी कहा जाता है। इसका मतलब क्या है कि इसका एनालिसिस और थ्योरी डेवलपमेंट जो होता है सिद्धांत का, ये डेटा पर ही आधारित होता है। ये तभी संभव होता है जब आप डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। तो ग्राउंडेड थ्योरी एक सिस्टमेटिक इंडक्टिव मेथड है। क्यों इंडक्टिव मेथड है, मतलब एक एक केस को आपको देखना होगा, एक एक उदाहरण को इकट्ठा करना होगा, तब आपका रिसर्च हो पाएगा। तो ग्राउंडेड थ्योरी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव पर्सपेक्टिव थिंकिंग और एक्शन प्रोसेस है। तो इसमें क्या है, सीक्वेंस क्या है, पहला सा है कि डिसाइडिंग अबाउट द नीडेड सैम्पलिंग डिजाइन एंड डेटा कलेक्शन। सबसे पहले आवश्यक नमूना डिजाइन और डेटा संग्रह के बारे में निर्णय, फिर कोडिंग एंड मेमोइंग। पहला ये हुआ, दूसरा ये होगा, ये पहला हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा, और उसके बाद कैटेगराइजेशन एंड कंपैरिजन, तीसरा हुआ वर्गीकरण एंड तुलना, चौथा हुआ आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोर वेरिएबल लीडिंग टू सैचुरेशन, ये चौथा, पांचवा हुआ थ्योरी वेरिफिकेशन। तो ये इसका सीक्वेंस क्या हो गया, सीक्वेंस हमारा हो गया इसका बी ए, इसका सीक्वेंस हुआ 2 1 2 1 4 3 5। सो आंसर इज डी। तो ये क्या है, डेटा कलेक्शन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जमीन सिद्धांत ग्लेसर एंड स्ट्रॉस के द्वारा दिया गया था और इस गुणात्मक अनुसंधान को वैध बनाने के लिए, वैलिड बनाने के लिए, यह एक व्यवस्थित पद्धति है जो बड़े पैमाने पर गुणात्मक शोध पर लागू होता है। इसमें डेटा संग्रह और विश्लेषण के माध्यम से जो भी परिकल्पना, जो भी हाइपोथेसिस और जो भी सिद्धांत बनता है, उसका निर्माण डेटा पर आधारित होता है। इसमें डेटा का संग्रह और विश्लेषण है, यह आधारभूत है। इसका मतलब है कि जब आप डेटा एकत्र कर लेंगे तभी सिद्धांत का विश्लेषण और विकास होगा। तो आधारभूत सिद्धांत का विकास करके गुणात्मक अनुसंधान क्वालिटेटिव रिसर्च किया जाता है। और आगमनात्मक पद्धति मतलब इंडक्टिव प्रोसेस, इसमें क्या है, एक एक एग्जाम्पल को देखा जाता है और इसके बाद फिर उसका एकीकरण करके उसका कंक्लूजन निकलता है। तो इसमें क्या है, ये आधारभूत सिद्धांत बनाने के लिए इसमें ये सारे स्टेप्स हैं जो उसका सीक्वेंस है। पहले टू, अब सीक्वेंस मैंने बताया 2 1 4 3 5। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोज्ड एडवर्ड डेमिंग फॉर क्वालिटी एश्योरेंस। एडवर्ड डेमिंग जो है ना, द डेमिंग फिलोसॉफी के नाम से जाना जाता है, डेमिंग फिलोसॉफी। एडवर्ड डेमिंग की फिलोसॉफी क्या है, जिसे डॉक्टर डेमिंग के प्रबंधन सिद्धांत, प्रबंधन मैनेजमेंट थ्योरी, डॉक्टर डेमिंग का प्रबंधन सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा गुणवत्ता आश्वासन एडवर्ड डेमिंग के द्वारा प्रस्तावित है। तो मैं इसमें क्या है, एडवर्ड डेमिंग परिभाषित गुणवत्ता है, उनके हिसाब से है कि अच्छी गुणवत्ता क्या है कि ग्राहक के अनुकूल गुणवत्ता मानक के साथ एक रूपता। तो इसको हम लोग
गेमिंग फिलॉसफी बताता है कि गुड क्वालिटी का मतलब होता है कि प्रेडिक्टेबल डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड डिपेंडेबिलिटी विथ द क्वालिटी। मतलब ऐसा है कि क्वालिटी का कुछ अच्छी क्वालिटी का जो भी सामान होगा या जो भी चीज़ होगा वो क्या होगा कि कस्टमर को वो सूट करेगा, क्योंकि कस्टमर उसकी क्वालिटी पर डिपेंड करेगा, उसको भरोसा होगा, निर्भर कर सकता है। और क्वालिटी में क्या होगी, एक रूपता होगी, यूनिफॉर्मिटी होगी। तो ये इसका है कि कंसिस्टेंसी चाहिए कि जो क्वालिटी है उसमें, क्वालिटी मैनेजमेंट में कंसिस्टेंसी की बात करते हैं। तो एडवर्ड्स ने 14 पॉइंट्स बताए थे कि क्वालिटी के लिए, तो उसमें उन्होंने बताया कि एडवर्ड डेमिंग का पहला तो था कि नया फिलॉसफी अपनाइए, दूसरा था कि सीज डिपेंडेंस ऑन इंस्पेक्शन टू अचीव क्वालिटी, तीसरा है कि ये प्रैक्टिस को ख़त्म करें कि बिजनेस को केवल प्राइस के आधार पर अवार्ड किया जाए, बल्कि प्राइस के आधार पर नहीं बल्कि कॉस्ट को मिनिमाइज करके इन्होंने बिजनेस को बढ़ाने की बात कही। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग, जॉब में ट्रेनिंग दें, फिर इंस्टीट्यूट का लीडरशिप पर जोर दिया, डर को भगाने की बात कही, और स्टाफ एरिया में जो भी बैरियर्स है उसको हटाने की बात कही गई। उसके अलावा उन्होंने किस किस चीज़ पर जोर दिया, क्वालिटी एश्योरेंस के लिए एडवर्ड डेमिंग ने सबसे पहला है न्यू फिलॉसफी पर जोर दिया, नए दर्शन को अपनाएं, फिर बोले सीज डिपेंडेंस ऑन इंस्पेक्शन जो कि अभी मैंने बताया, निरीक्षण पर निर्भरता को ख़त्म करने की बात कही, और इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग नौकरी पर संस्थान प्रशिक्षण, मतलब जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं वहीं आपको ट्रेनिंग दिया जाए, और डर को ख़त्म करने की बात कही। तो एडवर्ड डेमिंग का प्रबंधन सिद्धांत में ये चार चीज़ों पर जोर दिया गया, जिसमें कि डर को भगाओ, नौकरी में ही ट्रेनिंग दो, जहाँ संस्थान पर नौकरी कर रहे हैं वहीं प्रशिक्षण दिया जाए, और निरीक्षण पर निर्भरता को ख़त्म किया जाए, और नया फिलॉसफी अपनाने की बात कही। तो इसका आंसर है सी, ये मैनेजमेंट का सिद्धांत है। इसको पढ़ेंगे हम जब सिद्धांत मैनेजमेंट थ्योरी, तब उस एडवर्ड डेमिंग के सारे प्रबंधन के सिद्धांत को समझ पाएंगे और आंसर अच्छे से कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट, उन बयानों की पहचान करें जो एक संगठन का परिवर्तन प्रक्रिया के लिए आवश्यक क्रियाओं को इंगित करते हैं। Which indicate the needed actions for a change in process of an organization. Organization must go through unfreezing. सबसे पहली बात कही गई कि organization must go unfreezing. दूसरा कहा गया कि एंजाइटी वन फियर ऑफ चेंज शुड बी डिक्रीज, चिंता एक बदलाव के डर से कम होना चाहिए, एंजाइटी वन फियर ऑफ चेंज शुड बी डिक्रीज, मतलब कि चेंज से जो चिंता हो रही है, डर हो रहा है, उसको ख़त्म होना चाहिए। एंजाइटी टू फियर ऑफ नॉट चेंजिंग मस्ट बी इंक्रीज, नहीं चेंज करने का डर को भी बढ़ाना चाहिए। तीसरा, अडॉप्शन ऑफ एनी इनोवेटिव प्रोसीजियर लीडिंग टू ट्रायल, प्रशिक्षण के लिए अग्रणी किसी भी नवीन प्रक्रिया को अपनाना, डिस्कशन बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ फोर्सेस रिस्ट्रेनिंग एंड ड्राइविंग, बलों को संयम और ड्राइविंग के विश्लेषण पर आधारित चर्चा। तो इसको थोड़ा सा समझने के लिए क्या है कि इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के लिए क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए, ये सब मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के लिए क्या क्या स्टेप्स है, पहला स्टेप है क्लियरली डिफाइन द चेंज, 6 स्टेप्स हैं।
6 स्टेट्स। क्लियरली डिफाइन द चेंज। इसमें क्या है कि चेंज जो भी जरूरी है उसको डिफाइन करना है, और उसमें क्या है कि और अगर उसका दूसरा है कि इस चेंज से जिन पर असर पड़ेगा वो इम्पैक्ट को बताना कि अगर चेंज किया गया है तो उस चेंज का प्रभाव कि क्या लोग चाहते हैं, वो विशेस टू अचीव एंड व्हाई शुड देन डिटरमाइन द इम्पैक्ट ऑफ चेंज एट वेरियस। अब कोई आदमी चेंज चाह रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में कोई चाह रहा है तो क्या क्यों चाह रहा है और क्यों उस चेंज का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे। तीसरा है डेवलप ए कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, कम्युनिकेशन। तीसरा है कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी डेवलप करना। इसमें क्या है कि कम्युनिकेट द चेंज टू डिटरमाइन द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर ग्रुप और इंडिविजुअल्स दैट विल ब्रिंग देम ऑन बोर्ड और डिक्रीज एंजाइटी अराउंड द चेंज। अब जो चेंज लाने जा रहे हैं लोग उनको कम्युनिकेट करना है ग्रुप ऑफ पीपल के साथ सो दैट कि जो चेंज को लेकर उनमें चिंता है वो दूर हो। प्रोवाइड इफेक्टिव ट्रेनिंग, चौथा है कि इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रदान करना। इफेक्टिव ट्रेनिंग किसको प्रदान करना है, ट्रेनिंग इनफॉर्मल और स्किल्स बताना या नॉलेज ताकि जो भी चेंज आ रहा है उसको लागू करने के लिए ट्रेनिंग देना। फिर क्या है सपोर्ट स्ट्रक्चर, इम्प्लीमेंट ए सपोर्ट स्ट्रक्चर। किसको सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, वैसे एम्प्लॉयज को सपोर्ट करना है जो कि इमोशनली और प्रैक्टिकली एडजस्ट करेंगे चेंज के साथ, जो भी चेंज आ रहा है उसके साथ वो चेंज करेंगे और फिर जो चेंज का प्रोसेस है उसको मेजर करना। मतलब कि जो चेंज हो रहा है थ्रू आउट द चेंज हो रहा है तो मैनेजमेंट प्रोसेस जो है स्ट्रक्चर वो चेंज का क्या इम्पैक्ट हो रहा है उसको भी मेजर करेगा। तो क्या कर रहा है कि चेंज प्रोसेस जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है तो क्या क्या करना होगा, तो उसके 6 स्टेप्स हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन को मस्ट गो थ्रू एन अनफ्रीजिंग। अनफ्रीजिंग मतलब क्या है कि जो चीज़ फ्रीज हो गया उसको बदलाव की ओर। फिर एंजाइटी वन क्या है, एंजाइटी 2 ऐसे है, चिंता एक क्या है, बदलाव का डर कम होना चाहिए। बहुत लोग चेंज से घबराते हैं तो ये डर को कम करना होगा। दूसरा डर क्या है, एंजाइटी क्या है कि फियर ऑफ नॉट चेंजिंग मस्ट बी इंक्रीज, नहीं बदलने का डर बढ़ना चाहिए कि नहीं बदलने से और भी नुकसान होगा, ये वाला चीज़ को लाना है। तो ये सारी चीज़ें, ये 3 चीज़ों पर जोर दिया गया, तो इसलिए इसका आंसर है 1, 2 और 3, आंसर इज डी। तो ये क्या कह रहा है कि ये तीनों जो पॉइंट है ये ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो बता रहे हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब चेंज लाना है तो ये 3 प्रोसेस का या 3 एक्शन जरूरी है। पहला है कि जो चेंज लाना है तो अनफ्रीजिंग जरूरी है ना, कि कोई चीज़ फ्रीज हो जाना मतलब क्या होता है, रुक जाना। तो जो चीज़ रुक गया है उसको अनफ्रीज करना, उसमें बदलाव लाना। दूसरा है कि चेंज का डर को ख़त्म करना, और तीसरा क्या है कि डर नहीं बदलाव होने से जो डर है उसको भी मतलब बढ़ाना चाहिए कि अगर नहीं बदलेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, ये डर भी बढ़ाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रपोज्ड। एडवर्ड डेमिंग का फिलोसफी में कि क्वालिटी एश्योरेंस के लिए कौन सा फिलॉसफी या विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रपोज्ड, एडवर्ड डेमिंग ने क्या प्रपोज किया है क्वालिटी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। तो एडवर्ड डेमिंग की फिलॉसफी जिसे डॉक्टर डेमिंग के, और पहले हम लोग दूसरा क्वेश्चन नंबर हम लोग रिपीट कर रहे हैं क्या, यस
हम लोग पहले चले गए थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड अंडर द ICF मॉडल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटीज। तो ICF मॉडल ऑफ डिसेबिलिटीज, ICF मॉडल क्या होता है? इंटरनेशनल। ICF मॉडल का फुल फॉर्म है ICF का है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग इसका मतलब हुआ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ। किस चीज से रिलेटेड है? डिसेबिलिटी एंड हेल्थ, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग जो है डिसेबिलिटी एंड हेल्थ का, ये क्लासिफिकेशन है किस चीज का? हेल्थ फंक्शनिंग ऑफ डिसेबिलिटी, जो भी हेल्थ कंपोनेंट है डिसेबिलिटी का, और मतलब डिसेबिलिटी के फंक्शनिंग का जो हेल्थ कंपोनेंट है उसको हम ICF कहते हैं। ICF का अप्रूवल कब हुआ था? इसका अप्रूवल ICF अप्रूव्ड इन 2001 बाय 191 नेशंस ऑफ हु वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कब? ड्यूरिंग 54th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में इसको अपनाया गया था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ICF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ, मतलब डिसेबिलिटी का जो हेल्थ कंपोनेंट है उसको ये डील करता है, ये क्लासिफाई करता है। ये इसका ICF का अप्रूवल 2001 को 191 नेशंस के द्वारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 54th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में अप्रूव हुआ था। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग जो है ICF एक फ्रेमवर्क है किस चीज का? डिसेबिलिटी का। और ये फंक्शनिंग ऑफ डिसेबिलिटी पे सूचनाएं ऑर्गेनाइज करता है। यह रोल ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर, डिसेबिलिटी पर एनवायरमेंटल फैक्टर का क्या रोल है ये डिस्कस करता है। रोल ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर ऑन डिसेबिलिटी को डिस्कस करता है। ऑन डिसेबिलिटी इसके अलावा क्या करता है कि ये रेलिवेंस ऑफ एसोसिएटेड हेल्थ कंडीशंस को देखता है। इसके अलावा ICF फ्रेमवर्क जो है वो उसका दो पार्ट है, इसका दो पार्ट है फ्रेमवर्क का। पहला फंक्शनिंग एंड डिसेबिलिटी, पहला है फंक्शनिंग एंड डिसेबिलिटी, और दूसरा पार्ट जो है ना वो है कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स। तो ये जो पार्ट्स हैं ये और भी आगे इसके और भी कंपोनेंट्स हुए। तो फंक्शनिंग और डिसेबिलिटी में बॉडी फंक्शन और इसमें आता है बॉडी फंक्शन और स्ट्रक्चर बॉडी का। बॉडी फंक्शन, फंक्शनिंग में बॉडी फंक्शन और स्ट्रक्चर आ गया। इसमें एक्चुअल एनाटॉमी, जो बॉडी का एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी को देखता है। इसलिए ICF मॉडल में क्या क्या चीज आ गया? बॉडी फंक्शन और स्ट्रक्चर। इसको दूसरे कलर से करते हैं। इसमें आ गया बॉडी फंक्शन और स्ट्रक्चर, शारीरिक कार्य और संरचनाएं। इसके बाद आ गया पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ, जीवन के सभी क्षेत्रों में भागीदारी, और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ये तीन चीज हैं जो ICF मॉडल के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर है 1, 2, 3, ठीक है। तो 1, 2, 3 मतलब ऑप्शन बी, आंसर इज ऑप्शन बी।
तो ICF मॉडल कामकाज, विकलांगता और स्वास्थ्य का अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण। तो ये स्वास्थ्य के घटकों का एक वर्गीकरण है जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के 191 देश 22 मई 2001 को 54th विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान अनुमोदित हुआ, इसको अनुमोदन प्राप्त हुआ। और यह क्या करता है, कामकाज, विकलांगता और स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण और अक्षमता पर जानकारी को व्यवस्थित करने का एक ढांचा है। और इसके दो भाग हैं, कार्यप्रणाली और विकलांगता के प्रासंगिक कारक, और इसमें यह शारीरिक रचना, जीवन के सभी क्षेत्रों में भागीदारी और पर्यावरणीय कारणों पर को डिस्कस करता है। अगला क्वेश्चन है, लिस्ट टू गिव्स 25 मेटाफिजिकल कैटेगरीज ऑफ सांख्य एंड लिस्ट वन गिव्स 20 provides their types। तो ये क्या है कि सूची में टाइप्स दिया हुआ है वन में और सूची दो में उनकी आध्यात्मिक श्रेणियां दी गई हैं। तो हमें इसको मैच करना है, तो उसका करेक्ट मैचिंग करना है। तो पहला है कॉज ऑनली, तो इसका आंसर पहले हम देख लें। कॉज ऑनली, कॉज में क्या क्या है, प्रकृति, प्रकृति इज ओनली कॉज, ठीक है, केवल कारण क्या है, प्रकृति। केवल प्रभाव क्या है, प्रभाव केवल है फाइव सेंसरी ऑर्गन सबटल, प्रभाव केवल है पांच संवेदी पांच प्रेरक और पांच स्थूल शरीर। कारण और प्रभाव दोनों किसमें है, तो कॉज इसमें, महत अहंकार में पांच सूक्ष्म तत्व, ठीक है। और ना तो कारण और ना तो प्रभाव क्या है, पुरुष, पुरुष पे ना तो कारण होता है ना तो प्रभाव। अब इसको हम थोड़ा समझते हैं, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन वन, ठीक है। सांख्य फिलॉसफी क्या बताता है, एक यह दो तरह का द्वैतवाद का रियलिज्म है, क्या है, इसमें एक प्रकृति है और एक पुरुष है। तो ये दो अल्टीमेट रियलिटीज को लेता है। इसमें क्या है कि पुरुष को वो प्रकृति का, पुरुष क्या है, प्लूरिटी और प्लूरलिटी और मतलब द्वैतवादी यथार्थवाद है। इसमें दो परम वास्तविकताओं का सिद्धांत है, इसमें एक प्रकृति और पुरुष। पुरुष स्वयं क्या बोलता है, प्लूरलिटी, जिसको बहुलता और पदार्थ के अस्तित्व को बनाए रखता है, इसलिए पुरुष को बहुलवादी माना गया है। और कारण का पुरुष रूप है, कारण का पुरुष रूप है, इसलिए ना कारण और यथार्थवाद है, क्योंकि पुरुष और प्रकृति, और प्रकृति क्या है, प्रकृति स्रोत है। प्रकृति का सिद्धांत तीन गुणों को बताता है जो कि सत्व, रजस और तमस। प्रकृति एक अवस्था है, प्रकृति तीन गुणों का संतुलन है। आप सांख्य दर्शन का मेरा वीडियो देखेंगे, उसमें प्रकृति और पुरुष को बहुत अच्छा से बताया गया है। तो तीन गुण क्या है, सत्व, रज और तमस। तो सत्व प्रकृति का वह तत्व है जो कि उज्जवल, प्रकाश, लघु ये और इंद्रिय मन बुद्धि को सचेत करता है, प्रकाश की चमक होती है। और दूसरा राजस जो है वो गतिविधि का सिद्धांत है, ये लाल रंग का होता है, ये उत्तेजना और गतिशीलता के कारण सक्रिय है, यह दर्द भी है, इससे मन बेचैन भी होता है। तमस क्या है, निष्क्रियता का सिद्धांत है, नकारात्मकता का सिद्धांत है। तो इसको हम लोग एक तरह से बढ़िया से समझते हैं, पुरुष और प्रकृति को। तो सांख्य फिलॉसफी में पुरुष और प्रकृति, पुरुष बहुलवादी है और ये एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर, इसलिए यह बहुलवादी। पुरुष क्या है, कॉजेशन है, यह कॉज या इफेक्ट
कुछ नहीं है, ना कॉज है ना इफेक्ट है, नाइदर कॉज नॉर इफेक्ट। इसलिए हमने यहाँ पर पुरुष को नाइदर कॉज और नॉर इफेक्ट के रूप में देखा है ना। दूसरा क्या है कि इट इज रियलिज्म या वास्तविकता है, क्योंकि वो मैटर और स्पिरिट को, दोनों को, मैटर को भी और स्पिरिट दोनों को ये रियल मानता है। सांख्य स्कूल जो है, सांख्य दर्शन बोलता है कि पुरुष जो सेल्फ है और प्रकृति जो कि सेल्फ नहीं है, वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, ठीक है। और ये इसलिए प्रकृति का मतलब होता है नेचर या सोर्स, है ना। प्रकृति नेचर या सोर्स है, प्रकृति क्या है, मैटर का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ सिद्धांत है। तो सांख्य दर्शन में जैसा मैंने बताया सत्व राजस और तमस, तो प्रकृति क्या है, ये तीन गुणों का इक्विलिब्रियम है, सत्व रज और तम, ये तीनों गुणों का इक्विलिब्रियम है। इसलिए प्रकृति केवल कॉज है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा प्रकृति केवल कॉज है, ठीक है। तो सत्व है प्रकृति का जो एलिमेंट है, वो प्लेजर है, लाइट है, और ये कॉन्शियसनेस है, मैनिफेस्टेशन ऑफ सेंसेस है, माइंड का है, इंटेलेक्ट को बताता है, ठीक है। तो और रज क्या है, रज है एक्टिविटी, एक्टिविटी है, क्रिया है, मोबिलिटी है, स्टिमुलेशन है, ये पेन भी है, और तमस है निष्क्रियता और नेगेटिविटी का सिद्धांत है। तो ये जो कॉज कौन है, प्रकृति, इफेक्ट क्या है, पांच सेंसरी ऑर्गन्स, कौन कौन हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो इफेक्ट ओनली हैं। इफेक्ट ओनली में हमारे पांच सेंस ऑर्गन्स हैं, पांच सेंस ऑर्गन, पांच मोटर ऑर्गन्स, है ना, और फाइव ग्रॉस बॉडी। और बोथ कॉज एंड इफेक्ट क्या है, ये है महत अहंकार, ये महत अहंकार और फाइव सट जो सूक्ष्म एसेंसेस हैं, और कॉज और इफेक्ट जो नहीं है वो पुरुष है। तो ये सारी चीजें हो गई, और हमारा सेंस ऑर्गन्स में क्या क्या हो गया, आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन, और मोटर ऑर्गन्स में हो गया हैंड, फीट, स्पीच एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन एंड ऑर्गन ऑफ जेनरेशन। और पांच तत्व क्या हैं, इथर, एयर, फायर, वाटर, क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा जिसको कहते हैं, और पांच सटल एसेंस में क्या है, साउंड, टच, फॉर्म, फ्लेवर और स्मेल। तो ये सारी चीजें पुरुष और प्रकृति को दर्शाती हैं, जिसमें कि 25 मेटाफिजिकल कैटेगरीज ऑफ सांख्य आता है। तो इसका आंसर है वन। सांख्य दर्शन का वीडियो देख लेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिस्ट वन इंक्लूड्स द नेम ऑफ इंडियन थिंकर्स एंड लिस्ट टू मेंशन देयर वर्क और द बुक्स ऑथर्ड बाय देम। सो फर्स्ट नेम इज महात्मा गांधी, सेकेंड इज रविंद्रनाथ, ये वर्तमान भारत है, वर्तमान भारत, लाइट डिवाइन, श्री अरविंदो और स्वामी विवेकानंद, और इनके बुक्स के नाम है, तो हमें मैच कराना है, ठीक है। तो महात्मा गांधी का और इधर लाइट डिवाइन, वर्तमान भारत, होम एंड द वर्ल्ड एंड माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो महात्मा गांधी का तो सब लोग जानते हैं कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। रविंद्रनाथ टैगोर का किताब, टैगोर की बुक का नाम है द होम एंड द वर्ल्ड, ठीक है। और श्री अरविंदो का है लाइट डिवाइन एंड स्वामी विवेकानंद का है वर्तमान भारत, ठीक है, वर्तमान भारत, और अरविंदो का है लाइट डिवाइन, और रविंद्रनाथ टैगोर का है घर और दुनिया। तो आंसर इज वन का फोर, टू का थ्री, थ्री का वन, एंड सो आंसर इज डी। अरविंदो इंडियन फिलोसोफर थे, योगी थे, गुरु थे, पोएट और नेशनलिस्ट थे। उनका आश्रम कहाँ है,
ये अरविंदो घोष 1872 में उनका जन्म हुआ था और 1950 में डेथ हो गया था। इनका आश्रम पौंडीचेरी में है। अरविंदो का मानना था कि डार्विन का जो सिद्धांत है वो जो भारत उनका मानना था कि डार्विनवाद केवल जीवन में पदार्थ के विकास की घटना का वर्णन करता है, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है ये नहीं बताता है, जबकि वो जीवन को पहले से मौजूद मानता है। तो मतलब कहना है कि सभी उनका मानना है कि सभी अस्तित्व ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। रविन्द्रनाथ टैगोर जो वो एक बंगाली कवि, लेखक, संगीतकार और दार्शनिक थे। उन्होंने 19वीं सदी के अंत तक और 20वीं सदी के शुरुआत तक आधुनिकतावाद के साथ बांग्ला साहित्य और संगीत के साथ भारतीय कला को नया रूप दिया था और वे कई प्रतिभाओं के धनी थे। और गांधी जी को तो सब लोग जानते हैं कि वो एक उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवादी राजनैतिक नेता नैतिकतावादी थे, और उन्होंने देश की स्वतंत्रता का सफल अभियान अहिंसा के जरिए किया था। और स्वामी विवेकानंद एक भारतीय संत थे, हिंदू मॉन्क थे और उनका वो रामकृष्ण के शिष्य थे, पर रामकृष्ण परमहंस के, और वो हिंदुइज्म के रिवाइवल के मतलब बहुत प्रबल प्रणेता थे। और ये इंडियन भारतीय राष्ट्रवाद में उनका बहुत ज्यादा योगदान था और उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद का विकास किया और ब्रिटिश एम्पायर कॉलोनियल इंडिया के अगेंस्ट फाइट करने की बात मतलब शुरुआत हुई। उनका वर्क था वर्तमान भारत। अगला क्वेश्चन, द लास्ट वन इज लिस्ट वन गिव्स द नेम्स ऑफ इंटेलिजेंस थ्योरीज एंड लिस्ट टू द नेम ऑफ द सिद्धांत के जो प्रणेता थे उनके नाम, प्रोपोनेंट्स ऑफ द थ्योरीज के नाम बताता है बता रहा है। तो पहला है मल्टीपल फैक्टर थ्योरी, दूसरा है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्चुअल मॉडल, तीसरा है मल्टीपल इंटेलिजेंस, चौथा है इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी। और नाम है प्रमोटर्स के डेनियल गोलमैन, हॉवर्ड गार्डनर, एल एल थर्स्टन एंड जी पी गिलफर्ट। तो सबसे पहले गिलफर्ट का स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्ट थ्योरी, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी ये जो है ये गिलफर्ट का है। तो हम लोग पहले इसको गिलफर्ट का है। और मल्टीपल फैक्टर थ्योरी जो है वो थर्स्टन का है। मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है वो गार्डनर का है और इमोशनल इंटेलिजेंस गोलमैन का है। मल्टीपल फैक्टर सिद्धांत जो है ये थर्स्टन का है। और बुद्धि मॉडल ये जो है ये गिलफर्ट का है, मल्टीपल इंटेलिजेंस गार्डनर का, और ये बुद्धि को खुफिया लिखता है गूगल का ट्रांसलेट, ये भावनात्मक बुद्धि का सिद्धांत गोल्डमैन का है। ये सिद्धांत में गिलफर्ट का स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी जो है ना वो गिलफर्ट ने ह्यूमन इंटेलिजेंस को तीन कोर कंपोनेंट्स में बांटा था। गिलफर्ट का तीन कोर कंपोनेंट्स में उन्होंने बताया था ऑपरेशंस, इसका भी मैंने वीडियो बनाया है आप देख लेंगे, ऑपरेशंस, कंटेंट और प्रोडक्ट्स जिसको कि डाइमेंशंस कहते हैं। उन्होंने तीन डायमेंशंस दिया था। गिलफर्ट का थ्योरी इम्पॉर्टेंट है और टेक्निकल भी थोड़ा है। ये उन्होंने बताया कि एबिलिटीज कैन बी एक्सप्लेन थ्रू बेसिक मेंटल प्रोसेस, स्पेसिफिक कंटेंट्स और प्रोडक्ट। गिलफर्ट का स्ट्रक्चर जो है एसआई थ्योरी भी कहा जाता है। गिलफर्ट के थ्योरी को एसआई थ्योरी भी कहते हैं, एसआई थ्योरी।
स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, इसको एसआई थ्योरी भी कहा जाता है। इसमें क्या क्या है, ऑपरेशंस, कंटेंट एंड प्रोडक्ट, हर डायमेंशन क्या है, तीनों डायमेंशन इंडिपेंडेंट है और उसमें करीब करीब 180 डिफरेंट कंपोनेंट्स है, 180 कंपोनेंट्स। इंटेलिजेंस, गार्डनर का जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है, इसमें है कि सभी इंटेलिजेंस के साथ लोग जन्म लेते हैं तो उनके पास सारे इंटेलिजेंस नहीं होता है, ये एबिलिटी कैसे होता है, नर्चर्ड होता है, धीरे धीरे डेवलप होता है, सारी एबिलिटी के साथ कोई व्यक्ति जन्म नहीं लेता है। तो ये थ्योरी में उन्होंने इस थ्योरी को ने चैलेंज किया जो पहले था कि एक ही चीज, वन सिंगल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस जो मानता था कि जी फैक्टर जो जनरल इंटेलिजेंस होता है और वो केवल कॉग्निटिव एबिलिटी पर स्ट्रेस देता था, उसको चैलेंज करके उन्होंने दिया 8 डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस को, 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस बताया। इसमें आता विजुअल, स्पेशल, स्पेशियल, लिंग्विस्टिक, वर्बल, जिसमें एक स्पेस का इंटेलिजेंस, वर्ड्स का, लॉजिकल, मैथमेटिकल, मैथमेटिकल ब्रेन जिसका होता इंटेलिजेंस, बॉडी का एनेस्थेटिक जिसमें डांसर्स, स्विमर्स, जिमनास्ट आते हैं, लॉजिकल में स्पेशल में आ गए आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स, स्पेस इंजीनियर्स, लिंग्विस्टिक में आ गए कवि, लेखक, लॉजिकल मैथमेटिकल में मैथमेटिशियन, म्यूजिकल म्यूजिकल में आ गए सिंगर्स, और इंटरपर्सनल में आ गए नेता, सोशल वर्कर्स, सेल्समैन, इंट्रापर्सनल में आ गया साधु सन्यासी, नेचुरलिस्टिक में आ गया पर्यावरण में जो लोग नेचुरलिस्टिक में आ गए पर्यावरण विद लोग, और डेनियल गोलमैन का जो था इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस उन्होंने लाया, उनका कहना था कि वो इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंस में सेल्फ अवेयरनेस की बात कही उन्होंने, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सेल्फ अवेयरनेस, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस, इन्होंने स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज को फोकस किया, चार कैपेबिलिटीज के अंदर सेल्फ अवेयरनेस, रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड सोशल अवेयरनेस, और उन्होंने एसोसिएटिव थिंकिंग और सेल्फ मोटिवेशन पे जोर दिया। गोलमैन का मानना था कि 4 कैपेबिलिटीज जो है वो मनुष्य को इमोशनल इंटेलिजेंस के 12 सब स्केल्स के आधार पर उन्होंने अपने ये चार कैपेबिलिटीज को बेस किया। उनका कहना था कि ये सब स्किल्स जो हैं वो इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस है, इमोशनल इंटेलिजेंस वह एबिलिटी है जो लोगों को दूसरे के इमोशंस को समझने की कैपेसिटी देती है, और किसी को हर्ट करने के पहले लोग ये जो इमोशनली इंटेलिजेंस होते हैं वो सोचते हैं कि उसकी जगह पर वो खुद को रखकर सोचते हैं किसी को हर्ट करने के पहले, या इसीलिए किसी के एक्सेस द जनरेट इमोशंस, तो दूसरे को वो के इमोशंस को समझना, इमोशन के का ज्ञान रखना और रिफ्लेक्ट करना ताकि वो इमोशनल ग्रोथ होता है, तो वो किसी को हर्ट नहीं करते, किसी को हर्ट कर इमोशनल इंटेलिजेंस जिसके पास होता है वो किसी को अगर दुख पहुंचाता है तो उसके पहले वो सोचता है कि अगर उसकी जगह पर मैं होता या मेरे बच्चे को कोई ऐसा करता तो कैसा मुझे लगता, और ये सोच उसको फिर उस फीलिंग से रोक देती, उस तरह से हर्ट करने से रोक देती है। थर्स्टन का मल्टीपल फैक्टर थ्योरी जो है वो थ्योरी 1930 में आया था, और उन्होंने बताया था कि मॉडल उसमें वर्बल, न्यूमेरिकल, स्पेशियल, एसोसिएटिव मेमोरी,
परसेप्चुअल एंड रीजनिंग पर जोर दिया, उनका 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज पर उन्होंने जोर दिया। ये अकॉर्डिंग टू थियोरी ऑफ इंटेलिजेंस ये कहा जाता है कि मल्टीट्यूड ऑफ सेपरेट फैक्टर्स और एलिमेंट्स जो है वो हर एबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और मेंटल एक्ट जो है ये सारे माइन्यूट एलिमेंट्स को लेकर एक साथ इन्वॉल्व होते हैं और वर्क करते हैं टुगेदर। सो उन्होंने 7 तरह के मेंटल एबिलिटीज को बताया, जिसमें वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड फ्लुएंसी, वर्ड पावर, बोलने की शक्ति, नंबर की फैसिलिटी, स्पेस मैनेजमेंट, एसोसिएटिव मेमोरी और परसेप्चुअल स्पीड और रीजनिंग को बताया। तो इस तरह से हमने देखा ये सारे सिद्धांत को, और इस तरह से ये इंटेलिजेंस के चारों सिद्धांत को हमने अटैच किया और सब सिद्धांत को देखा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।